हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किसी भी शोरूम में कितने पोस्ट होते हैं और उस पोस्ट में से आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा। तो दोस्तों, इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, पहला पोस्ट होता है शोरूम मैनेजर का। इनका काम होता है शोरूम में सेल्स और मैनेजमेंट को देखना, शोरूम के सारे सेल्स और मैनेजमेंट को देखना। तो बात करें इसकी क्वालिफ़िकेशन की, तो इसमें कौन सी क्वालिफ़िकेशन आपको चाहिए इसके लिए। तो इसके लिए आपको क्वालिफ़िकेशन चाहिए ग्रेजुएशन या फिर MBA या फिर अदर, और साथ में आपके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके लिए, इस पोस्ट के लिए। और इसकी बेसिक सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी होती है 20,000 प्लस, जो डिपेंड करता है आपके शोरूम पे या फिर किसी भी शोरूम पे, जो डिपेंड करता है कि वो शोरूम कितना बड़ा है, डीलर है या सब डीलर है, किस सिटी में है, किस शहर में है, इस हिसाब से ये डिपेंड करता है कि उसमें आपके लिए कितना सैलरी बनता है, कितना सैलरी आपके लिए रखा जा सकता है। तो दोस्तों, चलिए अगले पोस्ट की ओर चलते हैं। अगला पोस्ट है सेल्स एग्जीक्यूटिव का। तो दोस्तों, इनका काम होता है बाइक को सेल करना, बाइक का डेमो दिखाना। बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की, तो दोस्तों ये डिपेंड करता है आपके शहर पे या फिर उस शोरूम के लोकेशन पे कि वो शोरूम कैसा लोकेशन पे है। इस पोस्ट के लिए आप कहीं कहीं 10वीं पास पे भी रख लिया जाता है, कहीं कहीं आपको इसके लिए 12th पास मांगा जाता है। तो बात ऐसा होता है कि ये डिपेंड करता है लोकेशन पे, कैसा लोकेशन है, कौन से जगह पे शोरूम है। और बात करें इसकी सैलरी की, तो दोस्तों इसकी सैलरी होती है स्टार्टिंग में 6,000 से स्टार्ट होती है, लास्ट 15,000 तक होती है। डिपेंड करता है आपके शोरूम पे, ये कौन से लोकेशन पर से शोरूम है। और बात करें इसमें, तो इसमें आपको 2 टाइप के सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो एक होते हैं शोरूम के लिए और एक होते हैं फील्ड वर्क के लिए, जो फील्ड वर्क करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप शोरूम में सेल्स एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे हैं तो आप सैलरी पे भी काम कर सकते हैं या फिर आप कमीशन पे भी काम कर सकते हैं। सैलरी पे काम करते हैं तो आपको सैलरी के साथ इंसेंटिव भी मिलता है। और बात करें फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव की, तो उनका फील्ड में रहता है, वो भी चाहे तो सैलरी पे काम कर सकते हैं। उनका सैलरी के साथ उनको भी इंसेंटिव मिलता है, लेकिन उनके लिए एक टारगेट सेट किया जाता है, फिक्स किया जाता है कि उनको फील्ड से जितना टारगेट दिया जाता है उतना उनको सेल कराना रहता है, तभी उनको एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। और बात करें तो अगर आप चाहें तो आप भी कमीशन बेस्ड पे काम कर सकते हैं, आपको बिना टारगेट के। लेकिन इसमें अगर आप बिना टारगेट के काम करेंगे तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आपको केवल कमीशन मिलेगा। जितना सेल कराइएगा उतना आपको कमीशन मिलेगा और उस हिसाब से आपका इनकम होगा, अगर आप कमीशन बेस्ड पे काम करते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पे। तो दोस्तों, इसमें आप अपना सैलरी खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप इस मंथ में कितना सैलरी बना सकते हैं, कितना आप गाड़ी सेल करवा रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप इसमें अपना कमीशन बना सकते हैं और अपना इनकम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि इस मंथ आपको इनकम कितना लेना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये काफ़ी बेटर चीज़ है। आप देख लीजिए दोनों में से आपके लिए कौन सा बेस्ट है। बाकी आपके क्वालिफिकेशन इसके लिए बता दिए हैं और साथ में इसका सैलरी भी बता दिया है। तो चलिए नेक्स्ट पोस्ट की ओर चलते हैं। अगला पोस्ट है रिसेप्शनिस्ट का। तो दोस्तों, इनका काम होता है कस्टमर का वेलकम करना, कस्टमर का इंक्वायरी करना, फॉलोअप करना, कॉलिंग करना। और बात करें इसकी क्वालिफ़िकेशन की, तो दोस्तों इसकी क्वालिफ़िकेशन होती है, डिपेंड करता है शोरूम के लोकेशन पे, मिनिमम आपको 10th पास होना चाहिए, इसके अब भी होगा तो चलेगा।
इसकी क्वालिफ़िकेशन 10th पास एंड एबव। और बात करें तो इसके लिए आपको सैलरी डिसाइड की जाती है, वही 6K से स्टार्ट होती है सैलरी। अब बात कर लेते हैं अगले पोस्ट की ओर। अगला पोस्ट है दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर का। दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर का काम होता है बिलिंग करना, इंश्योरेंस करना और रजिस्ट्रेशन करना। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि शोरूम कितना बड़ा है, या तो डीलर है, मेन डीलर, सब डीलर बड़ा है, या फिर किस लोकेशन पे है वहाँ पे ये सेटअप होता है कि हाँ वहाँ पे कितने कंप्यूटर ऑपरेटर सक्सेस कर सकते हैं, कितने की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से उस पर पोस्ट होती है। मिनिमम अगर बड़ा है वहाँ पे ज़्यादा सेल होती है तो उसके हिसाब से मिनिमम वहाँ पे 2 कंप्यूटर ऑपरेटर रखा जाता है। 1 कंप्यूटर ऑपरेटर का वर्क होता है बिलिंग करना, बाइक का बिलिंग करना और इंश्योरेंस करना, और दूसरे कंप्यूटर ऑपरेटर का काम होता है रजिस्ट्रेशन करना। और बात कर ले इसकी क्वालिफिकेशन की, तो दोस्तों इसकी क्वालिफिकेशन होती है 12th पास होना, साथ में कंप्यूटर का कोई भी कोर्स का डिग्री होना, जैसे DCA, ADCA, इसकी ज़रूरत पड़ती है। और बात कर ले सैलरी की, साथ में इसके क्वालिफिकेशन में आपको चाहिए कि इंग्लिश रीडिंग और टाइपिंग आना चाहिए। तो बात कर लेते हैं सैलरी की, तो सैलरी इसकी स्टार्ट होती है 7K, मतलब 7,000 से 15,000 के बीच में स्टार्टिंग होती है। और ये डिपेंड करता है कि शोरूम पे, कि शोरूम कैसे लोकेशन पे है और कहाँ पे है। तो चलिए दोस्तों अगले पोस्ट की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला पोस्ट है अकाउंटेंट का। इनका काम होता है शोरूम का अकाउंट देखना, जैसे कि लेन देन जितना भी होता है उसको देखना और मैनेज करना। तो इनकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, BCom होना चाहिए आपके पास, और साथ में टैली की नॉलेज होना चाहिए। और बात कर लेते हैं इस सैलरी की, तो सैलरी इसकी स्टार्ट होती है 15,000 से 30,000 के बीच में स्टार्ट होती है। ये डिपेंड करता है शोरूम पे कि ये शोरूम किस लोकेशन पे है और कैसे लोकेशन पे है। तो चलिए दोस्तों अगले पोस्ट की ओर चलते हैं। अब बात कर लेते हैं सर्विस की ओर। ये था शोरूम की ओर, सेल्स की ओर था ये, अब बात कर लेते हैं सर्विस की ओर। तो चलिए सर्विस की ओर फर्स्ट कौन सा पोस्ट है ये देख लेते हैं। फर्स्ट में आता है सर्विस मैनेजर। इनका काम होता है सर्विस से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम को देखना, उनका सोल्यूशन देना और सर्विस को मैनेज करना, इनका काम होता है। और बात कर ले इनकी क्वालिफिकेशन की, ITI डिप्लोमा या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और फिर उसके बाद बात कर ले सैलरी की, सैलरी इनकी स्टार्टिंग होती है 20,000 से 30,000 के बीच में। ये डिपेंड करता है शोरूम किस लोकेशन पे है, उसका सर्विस कैसा है, सर्विस कैसा तगड़ा चलता है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी हो सकती है। चलिए दोस्तों अगले पोस्ट की ओर चलते हैं। अगला पोस्ट होता है कंप्यूटर ऑपरेटर का। तो कंप्यूटर ऑपरेटर इसमें सर्विस में क्या काम करते हैं, इनका काम होता है कि जितने भी सर्विस में आते हैं बाइक, उसका जॉब कार्ड ओपन करना और जॉब कार्ड क्लोज करना और उसको क्लोज करना। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है, इसके लिए क्वालिफिकेशन आपके पास 12th पास होना चाहिए और साथ में DCA या DCA का डिग्री भी होना चाहिए। कंप्यूटर कोर्स होता है DCA। और बात कर ले सैलरी की, सैलरी आपको 6K टू 10K स्टार्टिंग में होता है। डिपेंड करता है शोरूम पे कि कैसा शोरूम है, किस लोकेशन पे है। अब बात कर लेते हैं अगले पोस्ट की ओर। तो चलिए अगला पोस्ट है कैशियर का, जो सर्विस में होता है। तो सर्विस में कर इस कैशियर का पोस्ट होता है। इनका काम होता है जितने भी बाइक सर्विस में आते हैं उनका सर्विस का बिलिंग होता है, बिल के हिसाब से उनको कैश कलेक्ट करना रहता है। और इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो इसकी क्वालिफिकेशन आपको मिनिमम आपके पास 10th पास होना चाहिए और साथ में आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए।
और बात कर ले इसकी सैलरी की, तो सैलरी इसकी भी स्टार्टिंग में 6K to 10K होती है, और इसके लिए डिपेंड करता है कि ये कैसा जगह पे शोरूम है, डिपेंड करता है शोरूम लोकेशन के हिसाब से। तो चलिए हम बात करते हैं अगले पोस्ट की ओर। अगला पोस्ट होता है मैकेनिक का। तो दोस्तों मैकेनिक का काम होता है बाइक को रिपेयर करना और उनकी सर्विसिंग करना। इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, आपके पास कोई भी डिग्री होना चाहिए, ITI टेक्निकल डिग्री, ITI डिप्लोमा, या फिर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप कहीं पे काम किए हुए हैं तो भी आपको ले सकते हैं। जैसे 2 साल 4 साल आप कहीं पे काम किए हैं तो आप अपने नियरेस्ट शोरूम में जाके आप बताएंगे कि यहाँ हमको, हम इतना साल यहाँ पे काम किए हैं, और उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको दिया जाएगा बाइक का और उसको आप सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद आपको रख लिया जाएगा। बात कर लेते हैं इसकी सैलरी की। तो इसकी सैलरी उससे स्टार्ट होती है, आपको 7,000 से 10,000 के बीच स्टार्टिंग होती है, और ये डिपेंड करता है कि ये शोरूम कौन सी जगह पे है और लोकेशन के हिसाब से। अगर शोरूम अच्छी जगह पे है तो आपका सैलरी भी अच्छा ही होगा। तो चलिए दोस्तों अगले पोस्ट की ओर चलते हैं। अगला पोस्ट होता है पार्ट्स एग्जीक्यूटिव का। तो दोस्तों इनका काम होता है कि पार्ट्स को सेल करना और मैनेज करना, इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, आपको 12th पास होना चाहिए, साथ में DCA का कोर्स होना चाहिए। और बात कर ले सैलरी की, तो सैलरी की स्टार्टिंग होती है 7,000 से 15,000 तक स्टार्टिंग होती है, डिपेंड करता है शोरूम पे, कैसे जगह पे शोरूम है तो उसके हिसाब से डिपेंड करता है। तो चलिए दोस्तों अगले पोस्ट की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला एंड लास्ट पोस्ट होता है क्लीनिंग स्टाफ का। तो दोस्तों इनका काम ही होता है कि शोरूम को क्लीन करना और मैनेज करना, ये सब। तो दोस्तों इसके लिए क्वालिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई भी जा सकता है। इसकी सैलरी होती है, बेसिक सैलरी आपको 3,000 से स्टार्ट होती है, ये आपको किसी भी शोरूम में इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको 7,000 तक जाती है, 3,000 से 7,000, इसके बीच में आपको कहीं भी किसी भी शोरूम में इसके लिए जॉब मिल सकता है। और दोस्तों आपके पास कोई भी डिग्री है तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, डिग्री है या फिर मैंने जितना भी पोस्ट बताया उसमें से अगर किसी भी पोस्ट के लिए आपके पास कोई डिग्री नहीं है, तो अगर आपके पास पहुंच है, कोई जान पहचान है, तो इसमें बहुत ऐसे होते हैं शोरूम कि अगर आपके पास जान पहचान है किसी के, अपने हित दोस्त के या फिर आपके किसी रिलेटिव का उसमें जान पहचान है, तो उसके थ्रू आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको जॉब लग सकता है, उसके हिसाब से आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये अपना फर्स्ट ट्रिक है, या फिर साथ में आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना रिज्यूम एक बनाइए, और रिज्यूम बना के साथ में अपना भी जो भी क्वालिफिकेशन है टोटल चीज़ उस पर इंटर कीजिए, और वो चीज़ आप किसी भी शोरूम में अपना रिज्यूम लेके जाइए, वहाँ पे दिखाइए, उसके बाद आपके लिए जो भी पोस्ट खाली होगा अब उसके लिए आपको बताया जाएगा कि हाँ ये पोस्ट खाली है, आप करना चाहते हैं तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पोस्ट तो जाइए जल्दी देखिए कि हाँ इसमें कौन सा पोस्ट आपके लिए अच्छा है, और शोरूम में पता कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।